Hey learners, welcome back to an academy. Let's crack CLAT-PG. This is Manjari Singh, your CLAT-PG and other LLM exams educator. Aaj hum discuss karenge special leave petition ke bare mein, which is given under Article 136 of the Constitution of India. अब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि आखिर इस टॉपिक की रेलेवेंस क्यों है, मैं इस टॉपिक को क्यों उठा रही हूँ. इस टॉपिक की रेलेवेंस आपको तब समझ में आएगी अगर आप डेली अपडेटेड होते हैं केस लॉज से. आए दिन आपको केस लॉज में ये 136 दिखता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 136 की पावर को एक्सरसाइज करते हुए ये कहा वो कहा, बहुत सारी चीजें हमको दिखती हैं. हमें लगता है क्या ये भी एक अपील होती है. ठीक है, इन सारे फैक्टर्स को आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये अपील होती है या अपील के लिए डाली गई कोई परमिशन होती है. ठीक, कोई पेटिशन होती है जिसके थ्रू परमिशन गेन करी जा रही है, इसके बारे में देखेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बट ऑल्सो फॉर एनी वन हु इज एसोसिएटेड विद द लॉ फील्ड. ये एडवोकेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना इस आर्टिकल की रेलिवेंस को. ठीक है, तो हम आज देखेंगे ही एक जनरल पर्सपेक्टिव में. आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि किसके लिए इम्पोर्टेंट है, बट यहाँ पर जो लोग भी एलएलएम एग्जाम फोकस कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हाल ही में कुछ केस लॉस थे जिसके चलते 136 की पावर को एक्सरसाइज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ना कुछ कहा है, तो हम उसको डिटेल में देखेंगे. बिफोर स्टार्टिंग विद दैट, अगर आप क्लैट पीजी या अदर एलएलएम एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अन अकेडमी हैज कम अप विद इट्स अचीवर्स बैच जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए. ये इस बैच में मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ाती हूँ, बाकी आपको दो एजुकेटर्स भी मिलेंगे जो बाकी के सिलेबस को कवर करेंगे. कॉम्प्रीहेंसिव सिलेबस कवर करना हमारा टारगेट है कि आप कोई भी पेपर में एलएलएम के बैठ रहे हो आपका वो पेपर बहुत ईजिली क्रैक हो जाएगा. हम सारे एग्जाम्स के अप्रोच को लेके चलते हैं. अगर आपने ये अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं कि आप ज्वाइन कर सकते हो. आपके पास तीन तरह के प्लान अवेलेबल हैं, 18 मंथ्स, 12 मंथ्स एंड 6 मंथ्स. ये आप अपने एग्जाम को देखते हुए कि कब मुझे एग्जाम देना है आप उसके अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हो. ये हो गया रियल प्राइस. बट अगर आप मेरा कोड MSingh10, ठीक है, अगर आप मेरा कोड MSingh10 यूज करते हो तो आपको डेफिनेटली इस पर डिस्काउंट मिलेगा. क्लैट पीजी प्लस प्रोग्राम का जब आप एक बार हिस्सा बन जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपको बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है. डेली लाइव क्लासेस होती हैं, साथ ही साथ यहाँ पर हम लाइव टेस्ट और क्विजेस कराते हैं. मॉक टेस्ट जो अलग से स्केड्यूल है वो तो होता ही है, लेकिन एजुकेटर्स अपने पार्ट पर भी क्विजेस और टेस्ट करवाते हैं. जैसा मैंने पहले कहा, हम कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस को कवर करते हैं तो हमारा एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स पैटर्न है एलएलएम को ध्यान में रखते हुए. साथ ही साथ आपको इन क्लास पीडीएफ प्रोवाइड करी जाती है जो भी क्लास में डिस्कशन होता है, इंक्लूडिंग द डेली केस एनालिसिस. अगर आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ना चाहते हैं तो आप ये वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. यहाँ पर आपको सिर्फ स्कैन करना है ये QR कोड और डायरेक्ट आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. एक्सक्लूसिवली अन अकेडमी स्टोर्स में अवेलेबल है ये वाला कोर्स. प्राइस करंट अभी 15999 का है और अगर आपने ये कोड यूज करा तो ये कम हो जाएगा. ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज यहाँ पर मैं करती हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक ऐसा पेपर है जो हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. तो यहाँ पर मैं कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज करती हूँ कि अगर आपने एक बार ये कोर्स कर लिया तो आप किसी भी कॉम्पिटिशन में बैठ रहे हो आपको उसके लिए प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी. शेड्यूल्ड लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं, ज़्यादातर हम लाइव पे फोकस करते हैं. एंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि इन क्लास डाउट सॉल्विंग है, देन एंड देयर आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे क्लास में ही. मूविंग फर्दर, तो क्लैट पीजी 2024 की मॉक टेस्ट सीरीज अन अकेडमी लेके आया है जिसमें आपको 20 का पैक दिया जा रहा है फुल लेंथ मॉक टेस्ट का. सबसे अच्छी बात यह है कि ये मॉक्स आपको लाइव करवाए जा रहे हैं, हर वीकेंड पे कराए जा रहे हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनका टाइमिंग इज 2 PM. अभी तक जो भी मॉक्स हुए 2 बजे हुए, क्योंकि आपको पता है कि 2 बजे से 4 बजे तक का टाइम होता है एग्जाम का. तो रियल एग्जाम फील देने के लिए आपको ये वाला टाइम रखा जा रहा है, लाइव मॉक्स करवाए जा रहे हैं. लिमिटेड पीरियड ऑफर चल रहा है 1900 का जिसमें आपको 20 मॉक्स मिल रहे हैं, बहुत ही रीजनेबल प्राइस है. और अगर आपने ये कोड यूज कर लिया तो आपको थोड़ा सा डिस्काउंट और मिल जाएगा. एक और चीज़ बता दूं, जो लोग बैच के बच्चे हैं प्लस बैच को ज्वाइन करते हैं उनको ये मॉक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, उनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा. लेकिन जिन्होंने बैच ज्वाइन नहीं किया है अगर वो मॉक टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो उनको परचेज करना पड़ेगा. अन अकेडमी पर मैं स्पेशल लाइव फ्री क्लासेस भी लेती हूँ 2 दिन हफ्ते में, ट्यूसडे और थर्सडे को 6:30 बजे शाम को. इसमें मैं अलग अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करती हूँ. करेंटली मैं लॉ ऑफ टॉट्स डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पर. तो अगर आपको लगता है कि आपको मेरे से पढ़ना है या आपको थोड़ा कुछ अपने क्लैरिफिकेशंस लेने हैं सब्जेक्ट्स को लेके,
तो आप पहले ये भी ज्वाइन करके देख सकते हो। सिर्फ आपको क्या करना है, क्यूआर कोड को स्कैन करना है और आपको डायरेक्ट सारे लेक्चर्स वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे, प्लस अपकमिंग लाइव लेक्चर्स भी आपको दिखेंगे। ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप फटाफट से इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लो, जिससे कि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी, एलएलएम एग्जाम्स रिलेटेड, हमारे कोर्सेज रिलेटेड, मॉक टेस्ट हो गया, एनीथिंग। ठीक है, चलिए अब आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मैंने आपसे कहा कि हम स्पेशल लीव पिटिशन पढ़ेंगे। स्पेशल लीव पिटिशन के नाम से भी इसको जाना जाता है, स्पेशल लीव अपील के नाम से भी माना जाता है, एसएलपी बेसिकली हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, ये एसएलपी एक ऐसी है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, दिस इज वेरी मच स्पेशल लीव इज समथिंग जब हम परमिशन मांगते हैं। पिटिशन आप जान ही रहे हो, ठीक है। तो स्पेशल लीव पिटिशन इज बेसिकली जब हम किसी से कुछ डिमांड करने जा रहे हैं। अब ये बात आती है आखिर हम किससे डिमांड करने जा रहे हैं, क्या है, तो इसके बारे में देखते हैं कि स्पेशल लीव टू अपील जो है ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। ठीक है, अब इस एक्ट को देख के आपको याद तो थोड़ा बहुत आ रहा होगा कि जब हमारा संविधान बनाया गया है तो कई सारे सोर्सेस से बोरो किया गया, उसमें चीजें कई सारी चीजें थी जो बोरो हुई हैं। ठीक है, इंस्पायर होके, कहीं का रूल ऑफ लॉ सही था, कहीं का सेपरेशन ऑफ पावर था, कहीं का जो भी जहां का स्ट्रॉन्ग था हमने वो फॉर्मेट यहाँ पे अपने यहाँ इंडिया में उसको लगा दिया। इसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से मैक्सिमम चीजें बोरो करी गई थी, तो स्पेशल लीव पिटिशन जो प्रोविजन था वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में था, तो इंस्पायर होकर हमने वहां से इसको बोरो कर लिया। अब ये होता क्या है, ये प्रोवाइड करता है एक अग्रीव पार्टी को स्पेशल परमिशन, ठीक है, कि उसको सुना जा सके एपेक्स कोर्ट में अगेंस्ट एनी जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर, डिटर्मिनेशन, सेंटेंस ऑफ द कोर्ट और ट्राइब्यूनल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब सबसे पहली बात तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हो जाती है, क्या कोर्ट के साथ साथ ट्रिब्यूनल के जजमेंट के ऑर्डर के अगेंस्ट भी अग्रीव पर्सन जा सकता है? तो सारे ट्रिब्यूनल्स को यहाँ पे अलाउ नहीं करा गया है, लेकिन कुछ ट्रिब्यूनल्स के लिए बोला गया है। तो बेसिकली यहाँ पर स्पेशल लीव पिटिशन जो है ये एक अग्रीव पार्टी को मौका देती है, उसको प्रोवाइड करती है स्पेशल परमिशन, की परमिशन है कि तुमको अपेक्स कोर्ट में सुना जा सके। उस अपेक्स कोर्ट में किस चीज के अगेंस्ट सुना जा सके, किसी भी जजमेंट के अगेंस्ट, किसी भी डिक्री के अगेंस्ट हो सकता है, कोई ऑर्डर हो सकता है, कोई सेंटेंस पास हो चुका है उसके अगेंस्ट हो सकता है जो किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने दिया था। नाउ स्पेशल लीव पिटिशन डज नॉट अप्लाई टू द केसेस हर्ड इन अ मिलिट्री कोर्ट और द कोर्ट मार्शल। ठीक है, मिलिट्री कोर्ट में अगर कोई भी केसेस सुने गए हैं तो उसके अगेंस्ट आप एसएलपी फाइल नहीं कर सकते हो, साथ ही साथ कोर्ट मार्शल से रिलेटेड कोई भी केसेस हैं तो उसके अगेंस्ट आप एसएलपी फाइल नहीं कर सकते, ये दोनों एक्सेप्शन केसेस हैं। स्पेशल लीव पिटिशन के सबसे स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा कि क्या ये राइट टू अपील है, क्या अपील करने की राइट है, क्या ये अपील ही है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये राइट नहीं है। ठीक है, ये राइट नहीं है जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया को दी जा रही है, बल्कि ये एक प्रिविलेज है जो सुप्रीम कोर्ट को दिया जा रहा है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये हम जैसे आप सारे लोगों को, हम जो सिटीजन्स हैं, हम सबको ये एसएलपी नहीं मिला हुआ है। ठीक है, ये हमारी राइट नहीं है, ये बेसिकली राइट है सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की प्रिविलेज है, जहां पर हम उसको ये अधिकार देते हैं कि आप इस पावर का एक्सरसाइज करो, इस आर्टिकल को एक्सरसाइज करके आप अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज कर सकते हो। 136 में आप देखोगे इट इज मेनली अबाउट द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जिसमें उनको कुछ सही लगता है, ठीक है, उनको लगता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, कुछ गलत ऐसा हो रहा है जिसके अगेंस्ट सही स्टेप ले जाने की जरूरत है, तो वहां पे 136 एक्सरसाइज किया जाता है। 136 फाइनल ऑर्डर्स के साथ साथ इंटरमीडिएट ऑर्डर्स पर भी लगता है। फाइनल ऑर्डर तो आपने समझ लिया पिछली स्लाइड में कि कोई भी जजमेंट है, कोई भी ऑर्डर है, तो ये सब तो फाइनल होके आया, तो उसके अगेंस्ट एसएलपी 136 उस पर अप्लाई हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ इंटरमीडिएट, आपको मालूम है कि डिग्री तो नहीं होती है, बट इंटरमीडिएट ऑर्डर्स आते हैं ना, जब केस चल रहा होता है बीच में कई सारे ऑर्डर्स आते रहते हैं, उन ऑर्डर्स पर भी 136 अप्लाई होता है। अगर कोई भी ऐसा ऑर्डर आया जिसके लिए लगता है कि जो पेटिशनर है वो उसके अगेंस्ट जाना चाहता है अपील में, बट अपील में उसको जाने नहीं दिया जा रहा है, हाई कोर्ट में ने मना कर दिया, हम सर्टिफिकेट आपको नहीं देंगे सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का, फॉर दैट से यहाँ पर स्पेशल लीव पिटिशन फाइल करी जा सकती है। एसएलपी कैन ऑल्सो बी फाइल्ड एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड, अगर हाई कोर्ट ने मना कर दिया है सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस फॉर अपील देने के लिए अंडर आर्टिकल 134A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा कि जब भी हाई कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट, ऑर्डर के अगेंस्ट अपील जानी होती है सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां पे सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस फॉर अपील चाहिए होता है, जो आर्टिकल 134A में दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन के। अगर हाई कोर्ट यहाँ पे मना कर देती है, हाई कोर्ट करती है कि हमें नहीं लग रहा है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो रहा है जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट में तुमको जाना चाहिए अपील के लिए,
तो वहां पर क्या होता है, SLP फाइल करी जा सकती है। क्योंकि आप कभी भी देखो, जब हमारे लॉ को समझोगे तो आपको ये चीज बहुत क्लियर समझ में आएगी कि लॉ ने ना हमारे लिए रास्ते बंद नहीं किए हैं, हर जगह रास्ते खोले गए हैं। अगर एक तरफ से रास्ता बंद होता है तो लॉ ने कहीं ना कहीं दूसरा रास्ता हमारे लिए ओपन किया है, बाय हुक बाय क्रूक, ये वाला मैटर हो गया। ठीक, ये नहीं है कि हाईकोर्ट ने बंद कर दिया दरवाजा तो अब हम कहीं नहीं जा सकते। तो अगर हाईकोर्ट मना कर रहा है तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते हो, बट डेफिनेटली आप क्या कर सकते हैं, SLP फाइल कर सकते हैं। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक टर्म यूज किया, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो आखिर ये क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है? देखिए, जब भी आप देखते हो कि सबसे पहले केस फाइल होता है लोअर कोर्ट में, तो वहां पर फैक्ट्स पे बात होती है, वहां पे पूरे इंसिडेंट समझे जाते हैं, दोनों पार्टी से क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कहाँ चोरी हुई, कौन कौन इन्वॉल्व था, क्या किसी को चोट लगी, कितने आदमी आए थे, ये सारी चीजें डिस्कस होती हैं। बट जब हम अपील में हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो वहां पर ये सारी चीजें फिर से डिस्कस नहीं होती हैं। वहां पर सिर्फ देखा जाता है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज अगर हो रहा है, कोई ऐसी पॉइंट है, कोई ऐसा पॉइंट ऑफ लॉ है जहां पर कोर्ट ने, पिछली कोर्ट ने गलती कर दी है, जिसकी वजह से ग्रॉस इनजस्टिस हो रहा है, मिसकैरेज हो रहा है जस्टिस का, उस केस में यहाँ पर अपील एंटरटेन करी जाती है। ठीक, तो क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है, ये पॉइंट इन लॉ है दैट इज टू बी आंसर्ड बाय द जज बाय अप्लाइंग द लीगल प्रिंसिपल। ठीक है, ये वो पॉइंट है लॉ का जिसको जज को आंसर करना पड़ेगा। जज आंसर करता है लीगल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके। तो लीगल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते टाइम पे लॉ पॉइंट की ही जब बात हो रही है तो यहाँ पर जज के लिए समझना जरूरी है कि किस तरीके से चीजें वर्क करती हैं। इफ द सुप्रीम कोर्ट, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया SLP बाय स्पीकिंग और अ नॉन स्पीकिंग ऑर्डर, देन इट कैन नॉट लीव द क्वेश्चन ऑफ लॉ ओपन फॉर द फ्यूचर कंसिडरेशन। अगर आपने नेचुरल जस्टिस के तीन प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे तो आपने स्पीकिंग ऑर्डर का मतलब जाना होगा। ठीक है, नेचुरल जस्टिस के जो तीन प्रिंसिपल्स होते हैं उसमें पहला प्रिंसिपल आपका आता है कि नो वन कैन बी अ जज इन हिज ओन केस, अपने ही केस में कोई जज नहीं बन सकता। ठीक, दूसरा होता है कि दोनों पार्टीज को सुनना जरूरी है, एक पार्टी का सुन के आप फैसला नहीं सुना सकते। तीसरा होता है कि डिसीजन जो होता है वो रीजन होना चाहिए, रीजनड डिसीजन, यानी कि जो भी ऑर्डर दिया है कोर्ट ने, जो भी डिसीजन दिया है वो स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए, वो अपने आप में एक्सप्लेन कर रहा हो आधार को कि किस बेसिस पर हमने ये जजमेंट दिया है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने SLP को डिसमिस कर दिया, अब चाहे वो स्पीकिंग ऑर्डर रहा हो चाहे नॉन स्पीकिंग रहा हो, तो इस केस में नहीं कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए जरूरी है स्पीकिंग ऑर्डर देना, वो चाहे तो नॉन स्पीकिंग ऑर्डर भी दे सकता है। बट अगर एक बार डिसमिस हो गया तो इन दैट केस उस क्वेश्चन ऑफ लॉ पे फर्दर कोई भी कंसिडरेशन नहीं होगा, फ्यूचर कुछ भी कंसिडरेशन नहीं इंटरटेन किया जाएगा, फिर से समझा नहीं जाएगा, फिर से किसी भी तरीके से नया केस बन के नहीं आना चाहिए। ये क्लैरिफिकेशन यहाँ पर दिया जा रहा है। डिस्क्रिशनरी पावर जो सुप्रीम कोर्ट के 136 के अंडर है वो एंड हो जाती है जब पिटीशन रिजेक्ट हो जाती है। अगर एक बार पिटीशन डिसमिस हो गई, रिजेक्ट हो गई, तो यहाँ पर 136 की पावर अब सुप्रीम कोर्ट की खत्म हो गई, अब सुप्रीम कोर्ट कुछ और नहीं कर सकता। अब बात आती है कि मान लीजिए जब स्पेशल लीव पिटीशन हमने फाइल किया तो हमको लगा यार पिछली बार तो केस में हमने कुछ ग्राउंड ऐड नहीं किए थे, क्या नए ग्राउंड ऐड किए जा सकते हैं? यहाँ पर कहा गया कि नए ग्राउंड जो होते हैं वो ऐड नहीं किए जा सकते हैं इफ इट वॉज नॉट इंट्रोड्यूस अर्लियर इन द केस। तो कहा जाता है कि स्टार्टिंग में ही आपको सब कुछ ऐड कर देना है, आपके पास जो भी ग्राउंड है बाद में नहीं कर सकते। बट अब ये रिवर्स हो गया, रिसेंट का 2021 का केस है, श्री सौरभ जैन एंड अनदर वर्सेज मेसर्स ABP डिजाइन एंड अनदर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फॉर द फर्स्ट टाइम कहा कि न्यू ग्राउंड्स को ऐड किया जा सकता है इफ द केस इन्वॉल्व्स अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, हर एक केस में नए ग्राउंड ऐड नहीं हो सकते। ठीक है, ये एक जनरल पर्सपेक्टिव नहीं दिया है सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नए ग्राउंड्स ऐड नहीं हो सकते, लेकिन नए ग्राउंड्स वहां पर ऐड हो सकते हैं जहां पर क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है। क्योंकि आई एम अगेन एंड अगेन रिपीटिंग कि क्वेश्चन ऑफ लॉ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, लॉ का कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से ग्रॉस इनजस्टिस प्रिवेल करे, एंड फॉर दैट सेक क्वेश्चन ऑफ लॉ अगर अराइज हो रहा है तो उस केस में न्यू ग्राउंड्स को भी ऐड किया जा सकता है SLP में, अगर आपने पहले ऐड नहीं किया था। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि जब भी हम केस फाइल की बात करते हैं तो हमारे पास होता है कि कुछ तो टाइम लिमिट होती होगी ना उसको फाइल करने के लिए, कुछ तो बताते होंगे कितने दिन के अंदर फाइल करो, या फिर आज अगर मुझे फाइल करना था लेकिन आज मतलब एक महीना दो महीना कुछ हो गया, मुझे लग रहा था फाइल कर लेना चाहिए था लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा है तो मैंने कहा अगले साल करेंगे, क्या ये एटीट्यूड कोर्ट बॉदर करेगी? डेफिनेटली नहीं, कोर्ट आपके लिए फिर नहीं बैठी है।
ठीक है, कहते नहीं है कि कोर्ट उसकी मदद नहीं करती है जो अपने राइट्स को लेके सो जाता है। तो सीधी सी बात है कि इक्विटी जस्ट और कंसाइंस पे हमारे यहाँ कोर्ट्स काम करती हैं, तो यहाँ पर जो सो रहा है अपनी राइट्स को लेके कोर्ट उसकी मदद नहीं करेगी। टाइम जो होता है एसएलपी फाइल करने का वो अलग अलग दे रखा है। एक तो दे रखा है केस जहाँ पे डेट ऑफ जजमेंट के 90 दिन के अंदर फाइल हो जाना चाहिए, इन जनरल केस है, ठीक है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि अगर हाई कोर्ट किसी केस में सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस देने से मना करता है तो उस केस में 60 दिन का टाइम दिया गया है, ठीक है। हाई कोर्ट के पास आप गए थे कि हमें अपील फाइल करनी है सुप्रीम कोर्ट में, तो हमें सर्टिफिकेट ऑफ विटनेस दे दो, सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस दे दो, विटनेस नहीं फिटनेस दे दो, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे हाई कोर्ट ने मना कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा हम नहीं देंगे, हमें नहीं लगता है कि कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो रहा है जिसकी वजह से तुम्हें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। अब इसके चलते जिस दिन हाई कोर्ट ने मना किया है, वो जो ऑर्डर दिया है हाई कोर्ट ने, उसके 60 दिन के अंदर, 60 डेज के अंदर आपको एसएलपी फाइल करनी है। वहीं पे दूसरा केस, कोई भी इन जनरल अलग सा कोई केस है जिसके चलते आप एसएलपी फाइल करना चाहते हो, तो वो जजमेंट जिस दिन आया है उससे 90 दिन के अंदर आपको एसएलपी फाइल करना ही है, ठीक है। अब जरूरत क्या होती है, हमने देख लिया कि एसएलपी होता क्या, हमने देख लिया कितने दिन के अंदर, लेकिन फाइल कैसे होगी, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर फाइलिंग द एसएलपी, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो पहला, सबसे पहली चीज तो होती है कि एसएलपी में सारे फैक्ट्स होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के समझने के लिए कि भाई मुझे एसएलपी ग्रांट करनी है कि नहीं करनी है। आपको ये मालूम है कि जब भी पिटीशन कोर्ट के सामने जाती है, तो जब लोअर कोर्ट में जाती है तो ज्यूरिसडिक्शन चेक किया जाता है, उसी की तरह यहाँ पर जब एसएलपी फाइल होगी तो देखा जाएगा कि एसएलपी ग्रांट किए जाने की जरूरत है भी या नहीं। पहला क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने यही होता है कि क्या हमें एसएलपी ग्रांट करनी है या नहीं करनी है। तो आपको इतने नेसेसरी फैक्ट्स उसमें इनकलकेट करने हैं कि सुप्रीम कोर्ट को पूरा मामला समझ में आ जाए और वो ये डिसाइड कर पाए प्रॉपर मैनर में कि हमें ग्रांट एसएलपी करनी है कि नहीं करनी है। आपके पार्ट पर कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए कि बाद में आप रिग्रेट फील करो कि मैं तो ये कहना भूल गया, तो ये मेंशन करना भूल गया, ये डॉक्यूमेंट मैंने नहीं लगाया, अगर लगा देता तो मुझे एसएलपी मिल जाती, ठीक है। सो मेक श्योर कि आपके पास सारे फैक्ट्स होने चाहिए जो नेसेसरी है सुप्रीम कोर्ट के डिसाइड करने के लिए। पिटीशन जो होता है इस हैज टू बी साइन बाय द एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, ठीक है। आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का एग्जाम होता है, तो ये जो पिटीशन है इस पे साइन किसका होगा, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का होगा। देयर शुड बी अ डिक्लेरेशन बाय द पिटीशनर स्टेटिंग दैट देयर इज नो अदर पिटीशन फाइल इन द हाई कोर्ट। एक और चीज है इंपॉर्टेंट, क्या डिक्लेरेशन होना चाहिए पिटीशनर के पार्ट पर कि मैंने हाई कोर्ट में कोई और केस फाइल नहीं किया है, ठीक। मान लीजिए आप फर्स्ट अपील एक्सरसाइज हाई कोर्ट में हो रही थी, जब सेकेंड अपील में आप फाइल कर दियो, आप यहाँ पर एसएलपी भी लेके आ रहे हो, तो मेक श्योर आपके लिए सारे रास्ते बंद हो गए थे, अब आप आ रहे हो सुप्रीम कोर्ट के सामने, ठीक है। आपको हाई कोर्ट ने पूरी तरीके से मना कर दिया है, तो आपको ये चीज बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, आपके पार्ट पे डिक्लेरेशन जरूरी है कि मैंने कोई और पिटीशन हाईकोर्ट में फाइल नहीं करी है। एक और डिक्लेरेशन की जरूरत होती है पिटीशनर के द्वारा कि जो भी एनेक्सर्स वो प्रोड्यूस कर रहा है सेल्फी के साथ, वो ट्रू कॉपीज होनी चाहिए प्लीडिंग्स की जो लोअर कोर्ट में प्रेजेंट करी गई थी। आपको मालूम है जब पहली बार केस फाइल हुआ होगा तब से लेकर अब तक बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे जमा कराए जाते हैं, एविडेंसेस होते हैं, बहुत कुछ होता है। तो आपके पार्ट पर ये डिक्लेरेशन होगा कि जो, क्योंकि अब एसएलपी जब फाइल कर रहे हो शुरू से तो पूरा केस होगा नहीं, तो आपको सारी चीजें वहां पर एनेक्जर के तौर पर लगानी पड़ेंगी, क्या क्या हुआ था, क्या समस्या थी। आपको इनफैक्ट उससे पहले फिर हाईकोर्ट का ऑर्डर या जजमेंट भी लगाना पड़ेगा, ठीक है, जिसके अगेंस्ट आप यहाँ पर आ रहे हो। तो वो सारी चीजें जो आप लगा रहे हो उसका आप एक डिक्लेरेशन दोगे कि जो भी मैंने एनेक्जर एसएलपी के साथ लगाए हैं वो ट्रू कॉपीज हैं, वो एकदम सही सलामत सही कॉपीज हैं। मतलब ट्रू कहने का मतलब ये है कि वो ओरिजिनल है, वो कुछ भी फर्जी नहीं है, इट इज नॉट फ्रॉडुलेंट, ठीक है, वो ट्रू कॉपीज हैं प्लीडिंग्स की जो हमने लोअर कोर्ट में प्रेजेंट करी थी, ठीक। नाउ स्पेशल लीव पिटीशन मस्ट बी अटैच विद द जजमेंट अगेंस्ट विच अपील इज फाइल। ऑलरेडी टोल्ड यू कि अपील आप जिस भी जजमेंट के अगेंस्ट ला रहे हो उसकी कॉपी आपकी लगी होनी चाहिए एसएलपी में। अब बात आती है क्या एसएलपी सिर्फ सिविल केसेस में मिलती है या क्रिमिनल केसेस में मिलती है, तो मैं आपको बता दूं कि दोनों केसेस में मिलती है एसएलपी। आपके सिविल केसेस में जो मिलती है वो सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 के ऑर्डर 21 में दिया गया है उसका प्रोसीजर की किस तरीके से एसएलपी फाइल होगा, और वहीं पे सुप्रीम कोर्ट रूल 2013 के ऑर्डर 22 में बताया गया है कि एसएलपी क्रिमिनल केसेस में कैसे फाइल होगा। फॉर्म नंबर 28 चाहिए होता है जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आप एसएलपी फाइल कर रहे हैं, ठीक। नाउ अब मान लीजिए कि
पेटिशनर है वो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करना चाहता है जो पहले लोअर कोर्ट में नहीं प्रोड्यूस करे गए थे एज अ रिकॉर्ड, तो उसको ये रीजन बताना पड़ेगा कि क्यों तुमने उस वक्त ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं करे थे एंड अब तुम इसको एसएलपी में क्यों लगाना चाहते हो, ये उसको बताना पड़ेगा पेटिशनर को बहुत ही क्लैरिटी के साथ। हो सकता है वो रीजन दे कि भाई उस वक्त मुझे नहीं लगा था जरूरी है, अब उस टाइम पे मेरे पास ये डॉक्यूमेंट थे भी नहीं, लेकिन आज की डेट में मुझे लग रहा है कि ये मेरे केस को स्ट्रांग बना सकता है, तो फिर आपको ये रीजन स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि उस वक्त आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं थे और आज हैं तो आप इसको लगाना चाहते हो। इंग्लिश वर्जन ऑफ द रेलेवेंट प्रोविजन, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के रेलेवेंट प्रोविजन है, स्टैट्यूट्स के, ऑर्डिनेंसेस के, रूल्स रेगुलेशन, बायलॉज, ऑर्डर्स के, जो भी रेलेवेंट प्रोविजन हैं जो इम्प्यून जजमेंट या ऑर्डर में डिस्कस किए गए हैं पिछली कोर्ट ने, जिसके जजमेंट के अगेंस्ट आप एसएलपी लेके आ रहे हो, उस जजमेंट या ऑर्डर में जो भी प्रोविजन डिस्कस करे गए हैं आप उनका इंग्लिश वर्जन फाइल करोगे एज एन अपेंडिक्स टू द एसएलपी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आप सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट में वैसे ही सारे डॉक्यूमेंटेशन इंग्लिश में होता है, तो जो भी इंग्लिश वर्जन है वो इंग्लिश वर्जन आप एज एन अपेंडिक्स लगाओगे एसएलपी में, ठीक है, कोर्ट के रेफरेंस के लिए। नाउ अगर नोटिस सर्व किया जाता है, ठीक है, कोई नोटिस सर्व करी जाती है ना एसएलपी के लिए, तो पेटिशनर का क्या काम है कि वो नोटिस सर्व करेगा रिस्पोंडेंट को, वो बताएगा कि मैंने एसएलपी फाइल करी है और अब जो है ये केस सुना जाएगा और आपको इस दिन प्रस्तुत होना है। पेटिशन मस्ट कंटेन अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द जजमेंट अगेंस्ट विच अपील इज टू बी मेड एंड एन एफिडेविट स्टेटिंग दैट फैक्ट्स प्रेजेंटेड आर ट्रू टू द नॉलेज ऑफ द पेटिशनर। सर्टिफाइड कॉपी होनी चाहिए जजमेंट की, जजमेंट पे साइन होना जरूरी है, ठीक है, ठप्पा होना जरूरी है, सर्टिफाइड कॉपी हो जिसके अगेंस्ट आप अपील कर रहे हो, ठीक, जिसके अगेंस्ट अपील की जानी है, और एफिडेविट होना चाहिए वो ये कहते हुए कि जो भी फैक्ट्स प्रेजेंट किए गए हैं वो पेटिशनर की नॉलेज में एकदम सही है, पेटिशनर अपनी नॉलेज में उसको बेस्ट बता रहा है कि ट्रू टू माय नॉलेज, मुझे जितना पता है मेरे हिसाब से ये सत्य है, इसके अलावा कुछ अगर बात है तो उसके बारे में मुझे नहीं मालूम है। अब बात करते हैं स्पेशली पेटिशन क्रिमिनल केसेस में, तो इसका मैंने ऑलरेडी बताया कि 22 में दे रखा है। अब ये कब होती है, मान लीजिए जो पेटिशनर है उसको कुछ साल की सजा दी गई है, ठीक है, कोई कैद किया दिया गया उसको, तो पेटिशन ऑफ अपील जो है वो ये बताएगा कि क्या पेटिशनर ने सरेंडर किया था, ठीक है, अगर उसको मिला है भाई क्या होता है, क्या कहते हैं, सरेंडर कर दो तुम्हारी सजा कम हो जाएगी, ठीक, अगर मान लीजिए कम नहीं कर रहे हैं तो इन दैट केस वो सेल्फी फाइल कर सकता है, वो कहेगा आपको पेटिशन ऑफ अपील में बताना है कि क्या उसने सरेंडर किया था, एंड अगर उसने सरेंडर किया था तो फिर उसको पेटिशनर को प्रूफ देना पड़ेगा सरेंडर का, ठीक है, बाय वे ऑफ प्रूफ ऑफ सरेंडर वो सर्टिफाइड कॉपी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट की फाइल करेगा जिसमें उसने सरेंडर किया था, और या फिर वो सर्टिफिकेट लगा सकता है कॉम्पिटेंट ऑफिसर ऑफ द जेल का जहां पे वो अंडरगो कर रहा है सेंटेंस, ठीक है, वो साफ साफ कह सकता है कि मैं अंडरगो कर रहा हूँ इम्प्रिजनमेंट, ये मेरी पेटिशन ऑफ अपील रही, मैंने सरेंडर किया था, मुझसे करवाया गया था, कहा गया था तुम्हें सजा कम हो जाएगी, ये रहा मेरे सरेंडर का प्रूफ, मैं एक सर्टिफाइड कॉपी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट की लगा रहा हूँ, ठीक है, जिसके चलते मुझे सजा हुई है, अगर सरेंडर किया गया है, ठीक, या फिर सर्टिफिकेट वो लगा सकता है अगर सरेंडर का केस नहीं है तो कॉम्पिटेंट ऑफिसर जो जेल का है कि वो अंडरगो कर रहा है इम्प्रिजनमेंट, उसके सर्टिफिकेट का कॉपी लगा सकता है बताने के लिए, ठीक। अगर पेटिशनर जेल में है, मान लीजिए आपने उसको एडवोकेट नहीं दिया, उसको उसका केस लड़ने के लिए एडवोकेट नहीं दिया, जबकि हमें मालूम है कि कॉन्स्टिट्यूशन है या सीआरपीसी है दोनों ये बात करते हैं कि एक एक्यूज के लिए इम्पॉर्टेंट है कि उसको एडवोकेट दिया जाए, तो मान लीजिए पेटिशनर जेल में है और उसको आपने एडवोकेट नहीं दिया है तो फिर वो अपनी एसएलपी प्रेजेंट वो भी कर सकता है, लेकिन किसको करेगा, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ जेल को करेगा, ठीक। नाउ अब बात आती है कि जब सुप्रीम कोर्ट इंटरटेन कर रही है क्रिमिनल अपील्स के लिए सोच रही है बाय एसएलपी, तो उसको कुछ प्रिंसिपल्स के ध्यान रखने हैं सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को ध्यान रखने हैं कुछ प्रिंसिपल्स, क्या क्या, कब वो किस तरीके से इंटरटेन कर सकती है, कब नहीं कर सकती है, कब इंटरफेयर करना है, कब नहीं करना है, ये कहा गया था दलबीर कौर एंड अदर स्टेट ऑफ पंजाब के केस में। पहला पॉइंट सुप्रीम कोर्ट को कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा कि सुप्रीम कोर्ट मस्ट नॉट इंटरफेयर नहीं करेगा फाइंडिंग्स ऑफ द फैक्ट्स में इवन इफ द सुप्रीम कोर्ट हैज डिफरेंट व्यूज ऑन द एविडेंस। फाइंडिंग ऑफ द फैक्ट पे सुप्रीम कोर्ट को काम नहीं करना है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है क्वेश्चन ऑफ लॉ पे काम करते हैं, फैक्ट्स पे ऑलरेडी लोअर कोर्ट काम कर चुकी है, फैक्ट्स पर अब हम अपना काम करके टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, तो सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा फाइंडिंग ऑफ द फैक्ट में इवन इफ अगर उसको लग रहा है कि उनका एविडेंस पर डिफरेंट व्यूज है।
भाई इतने कॉम्पिटेंट लोग होते हैं, उनको देख के पेपर ही समझ में आ जाता है कि अरे ये तो एस्पेक्ट दूसरा हो सकता था, ये एविडेंस को कैसे इंटरप्रेट किया गया है। लेकिन उनको कैसा भी अंदर फील हो रहा हो, उनको इंटरफेयर फाइंडिंग ऑफ फैक्ट में नहीं करना है, पहला पॉइंट। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू नहीं करेगा एविडेंस को। वही मैंने कहा ना, पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और हो सकता है, चेंज हो सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट एविडेंस को रिव्यू नहीं करेगा जब तक कि हाई कोर्ट ने प्रोसेस ऑफ लॉ में कोई एरर ना करी हो। ठीक, एविडेंस बेसिकली फैक्ट से रिलेटेड है, तो फैक्ट से रिलेटेड एविडेंस पर कोई भी रिव्यू सुप्रीम कोर्ट नहीं दे रहा है जब तक कि ये पता ना लग जाए कि हाई कोर्ट ने लॉ पॉइंट पर कोई गलती करी है। अगर प्रोसेस ऑफ लॉ में हाई कोर्ट ने कोई एरर करी है तो इन दैट केस सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है, रिव्यू कर सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कब इंटरफेयर करेगी? उन केसेस में करेगी जहां पे हाई कोर्ट ने प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को वायलेट किया। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको तीन नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल बताए हैं, अगर इन तीनों में से किसी भी प्रिंसिपल का वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर इंटरफेयर कर सकती है, हाई कोर्ट से सवाल पूछ सकती है कि आपने क्या नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया था, या फिर अगर उन्होंने किसी भी प्रोविजन ऑफ द लॉ का वायलेशन किया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर दिख रहा है, ठीक है, एपरेंट है कि वायलेशन हुआ है, तो फिर उस पर क्वेश्चन किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट और इंटरफेयर किस केस में कर सकती है? जहां पे हाई कोर्ट ने एविडेंस के थ्रू रॉन्ग कंक्लूजन इन्फर किया। कंक्लूजन्स की बात हो रही है, रिव्यू की बात नहीं हो रही है, फैक्ट पे एनालिसिस की बात नहीं हो रही है, कंक्लूजन की बात हो रही है। मान लीजिए एकदम मामला ही बदल गया है, कंक्लूजन कुछ और निकल के आना चाहिए था, लेकिन हाई कोर्ट ने अपने इंटरप्रिटेशन में कुछ और समझा दिया और जिसकी वजह से गलत आदमी को सजा हो रही है, इन दैट केस सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने गलत नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट अपने सामने बेगुनाह को सजा नहीं दिलवा सकता। फॉर दैट से यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करे। ठीक, तो कुछ मामले हैं जहां पर इंटरफेयर नहीं करना है। मोटे मोटे तौर पर अगर हम समझे तो लॉ पॉइंट जब भी खतरे में आएगा तो सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है, लेकिन फैक्ट्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगी। ठीक, अब सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या होता है एसएलपी ग्रांट करने में? ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ही आता है, क्या एसएलपी सिर्फ जुडिशियल डिसीजंस पर होती है, एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव पर भी होती है? तो आंसर इज कि सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल डिसीजंस पर अप्लाई होता है, ये प्योरली एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पर अप्लाई नहीं होता है। मान लीजिए कई सारी होती हैं डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स चलती हैं, तो वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव प्योरली अगर मैटर है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, तो वहां पर एसएलपी का कोई भी ग्राउंड नहीं बनता है। ये सिर्फ वहीं बनेगा जहां पर 136 आपका जुडिशियल डिसीजंस पर अप्लाई हो रहा है। अब इस तरीके से दो स्टेजेस में 136 को डिवाइड किया गया है। पहला कि एक तो हो गया कोर्ट जो है व्हाइल हियरिंग द पिटिशन फॉर एसएलपी विल सी, मैंने आपसे ऑलरेडी कहा था कि जब सबसे पहले एसएलपी उनके सामने आती है तो कोर्ट को ये देखना है कि क्या पिटिशनर को ये लीव ग्रांट करी जानी चाहिए या नहीं करी जानी चाहिए। ठीक है, कोर्ट जो है वो एक्सरसाइज कर रहा है डिस्क्रिशनरी पावर टू ग्रांट और नॉट ग्रांट द अपील टू लीव। ठीक है, कोर्ट इज एक्सरसाइजिंग इट्स डिस्क्रिशनरी पावर। सुप्रीम कोर्ट से कोई सवाल नहीं कर सकता कि आपने रिजेक्ट क्यों किया, आपने एक्सेप्ट क्यों किया। ऑलरेडी कहा गया, मैंने आपको बताया कि जब वो डिसमिस करता है तो स्पीकिंग ऑर्डर भी हो सकता है, नॉन स्पीकिंग भी हो सकता है, लेकिन कोई सवाल नहीं पूछ सकता कि आपने डिसमिस किस ग्राउंड पे किया है। तो यहाँ पर ये बेसिकली डिस्क्रिशनरी पावर है, तभी अगर डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो पहला काम क्या है एसएलपी को देखते टाइम कि पेटिशनर को लीव देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, एंड ये सॉलिडली किसके मन पर होगा, सुप्रीम कोर्ट के पे होगा, क्योंकि डिस्क्रिशनरी पावर है अपील ग्रांट करने की या ना करने की। अगर पिटिशन ग्रांट करी जाती है, ठीक, अगर मान लीजिए पिटिशन ग्रांट कर दिया गया तो एसएलपी अपने आप तुरंत अपील में कन्वर्ट हो जाएगी। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि एसएलपी इज नॉट अ राइट टू अपील, ये अपील नहीं होती है, ये अपील फाइल करने के लिए एक परमिशन होती है। तो जैसे ही पिटिशन ग्रांट होगी ये एसएलपी अपने आप अपील में कन्वर्ट हो जाएगी, सो दैट द कोर्ट अपना फिर क्या करेगा, एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज करने लग जाएगा इस केस को डिसाइड करने के लिए। ठीक, जब सुप्रीम कोर्ट अपना एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज करता है तो इसके चलते वो लोअर कोर्ट के जजमेंट को रिवर्स कर सकता है, एकदम पलट सकता है, थोड़े बहुत चेंजेस कर सकता है, और हाँ में हाँ भी मिला सकता है। अपील में जरूरी नहीं है कि वो बंदा इतना मेहनत करके एसएलपी फाइल करके अपील ग्रांट करवा रहा है तो उसको यही चाहिए कि आप अपोजिट में ही जवाब दो। कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है, उसको लग रहा है गलत हुआ तो रिवर्स करेगा, उसको लग रहा है माइनर चेंजेस की जरूरत है तो मॉडिफाई करेगा, और अगर उसको लगता है कि सब सही है तो अफर्म भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर सकते हैं पिटिशन को विद स्पीकिंग और नॉन स्पीकिंग ऑर्डर, एंड स्पीकिंग ऑर्डर अगर होगा तो उसमें रीजन जरूरी है ये बताना कि सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशन को रिजेक्ट क्यों किया है। अगर स्पीकिंग ऑर्डर है तो
अगर स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है तो इन दैट केस उनको रीजन बताने की किसी को भी जरूरत नहीं है कि उन्होंने पिटीशन को रिजेक्ट क्यों किया था। कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जो स्पेशली पिटीशंस पर दिए गए हैं जिसके चलते ये बात हुई कि एसएलपी कब ग्रांट हो सकती है कब नहीं हो सकती है। तो 1950 के प्रीतम सिंह वर्सेस द स्टेट के केस में कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि सुप्रीम कोर्ट शुड नॉट इंटरफेयर विद द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट अनलेस एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट। क्योंकि हाई कोर्ट का मामला है वो चल रहा है, हाई कोर्ट नहीं देना चाहती, रिफ्यूज कर रही है सर्टिफिकेट देने से, तो हो सकता है उनका भी पॉइंट कुछ सही हो। तो हर मामले में जरूरी नहीं है कि कोई भी एसएलपी लेके आ गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बांट दिया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा हाई कोर्ट के डिसीजन में जब तक कि उसको ये नहीं लगता कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। पहला, एक बार अपील जब एडमिट हो गई, या तो आपने शुरू में रिजेक्ट कर दिया होता, अगर एडमिट हो गई है तो अब हाई कोर्ट ने जो भी गलत किया है अपीलांट उस हर एक पॉइंट ऑफ लॉ पे क्वेश्चन कर सकता है जो उसकी नजरों में गलत है हाई कोर्ट के द्वारा, ठीक। तीसरा, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड शुड बी अडॉप्टेड बाय द कोर्ट व्हाइल ग्रांटिंग स्पेशल लीव टू अपील। जब स्पेशल लीव अपील दी जा रही है तो उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम चाहेंगे कि हर एक जो कोर्ट है वो यूनिफॉर्म, सुप्रीम कोर्ट के में जितने भी जजेस जितने भी बेंचेस इसको सुन रहे हैं तो वो एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड मेंटेन करके चले। ये नहीं है कि डिस्क्रिशनरी पावर है तो मनमानापन नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए। फिर आया 2005 में जमशेद हॉर्मुजी वादिया बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज पोर्ट ऑफ मुंबई का केस, जिसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट मस्ट एक्सरसाइज इट्स पावर अंडर आर्टिकल 136 ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। ये पीछे भी कह दिया, ये पीछे भी यही कहा था कि तब तक हाई कोर्ट के काम में इंटरफेयर नहीं करेगी तब तक जब तक कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस नहीं आते हैं। लेकिन व्हेन अ क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस अराइजेस, जब तक कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन अराइज नहीं होता तब तक इंटरफेयर नहीं करेगी। अब आपने देखा होगा कई बार 136 में पहले तो जनरल बहुत ज्यादा इतना सुनने में नहीं मिलता था, लेकिन अभी रिसेंट में एक केस था डाइवोर्स का, मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग्स की हम जब बात कर रहे हैं, तो वहां पर शिल्पा शैलेश के केस में अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम 136 की पावर को एक्सरसाइज करते हुए इस मैटर को सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं दो लोग नहीं रहना चाहते हैं साथ में, खत्म करना चाहते हैं तो उसको खत्म करो, इनको इतना टॉर्चर करने की क्या जरूरत है कि घुमा घुमा के बार बार जाओ उधर जाओ उधर जाओ, थोड़ा टाइम पीरियड ले लो सॉर्ट आउट कर लो। जब वो फाइनली कह चुके हम नहीं चल सकता तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम 136 की पावर को एक्सरसाइज करते हुए इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ इस केस में भी यही कहा गया कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में ही सुप्रीम कोर्ट कोशिश करे इस पावर को एक्सरसाइज करने की जब तक कि क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस अराइज नहीं होता, लोगों के हित की बात नहीं होती है। एन सूर्या कला वर्सेस ए मोहनदास एंड अदर्स 2007 का केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 136 जो है वो कोई रेगुलर फोरम अपील का नहीं है। जब ये अपील ही नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अपील ही नहीं है, ये हमको रास्ता दिखा रहा है अपील के लिए, तो इसमें कहा गया ये रेगुलर फोरम नहीं है कि हर कोई पहुंच जा रहा है मुंह उठा के, ठीक है। कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को एक्सरसाइज करने के लिए अंडर आर्टिकल 136। किसी किसी मामले में कोर्ट चाहे सुप्रीम कोर्ट तो खुद भी कह सकती है कि हम अपनी 136 की पावर को एक्सरसाइज करते हुए ये जजमेंट दे रहे हैं, ठीक, कोई प्रश्न नहीं करेगा। इट डज नॉट कन्फर अ राइट टू अपील ऑन अ पार्टी टू द लिटिगेशन, ये राइट टू अपील नहीं देता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक डिस्क्रिशनरी पावर वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड पर सुप्रीम कोर्ट को देता है एक्सरसाइज करने के लिए फॉर सेटिस्फाइंग द डिमांड्स ऑफ द जस्टिस, कि सुप्रीम कोर्ट जस्टिस प्रोवाइड कर सके। कभी कभार डिस्क्रिशनरी पावर देनी जरूरी हो जाती है टू मीट आउट द एंड्स ऑफ द जस्टिस, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को 136 के चलते ये पावर दी गई है कि आपको जहाँ लग रहा है कि ग्रॉस वायलेशन राइट्स का हो रहा है, ग्रॉस इनजस्टिस हो रहा है, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो रहा है, एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन के चलते पावर को का गलत इस्तेमाल हो रहा है, आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज हो रही है, इन सब को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट 136 की पावर को एक्सरसाइज करते हुए जस्टिस को मीट आउट करने के लिए ये पावर एक्सरसाइज कर सकती है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टोटल डिस्क्रिप्शन, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप कभी भी 136 पढ़ोगे तो इससे ज्यादा आपको पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कई सारी चीजें होती हैं जो हमको बहुत डरावनी सी लगती है, जब आप अपील ये वाले जब आसपास वाले जो प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में है ना, जब हम पढ़ते हैं तो हमको बड़े डरावने से लगते हैं स्टार्टिंग में, जब हम LLB कर रहे होते हैं। बट यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर LLM, तब आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। आप इसको भाग नहीं सकते इससे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने ये टॉपिक इसलिए डिस्कस किया क्योंकि रिसेंट में केस लॉज में हमको ये देखने को आर्टिकल मिला है। इसी तरीके से मैं और भी नए टॉपिक लाती रहूंगी, जो भी आपके साइड बाय साइड नए नए केस लॉज डेली आते हैं तो उसमें जो भी प्रोविजन डिस्कस हो रहे हैं वो आपके लिए प्रोविजन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो आपसे क्लैट पीजी के पेपर में एज अ पैसेज
वो केस लॉ जब पूछा जाएगा तो फिर आपसे क्वेश्चन आंसर इस पर्टिकुलर आर्टिकल्स पे बन सकते हैं। तो इसी तरीके से हर सब्जेक्ट को लेके, चाहे वो क्रिमिनल लॉ हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो फैमिली हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, टॉट हो, मैं इस तरह के टॉपिक्स लेके आती रहूँगी जो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं आपकी प्रिपरेशन में। क्योंकि कभी कभी होता है कि हम लगातार नहीं पढ़ पा रहे हैं एक एक टॉपिक को करके, लेकिन हमने बाय चांस ऐसे वीडियो देख लिया, ठीक है, तो ये आपको बहुत हेल्प कर देता है। आप जब भी फ्री हो, व्हेन एवर यू गेट टाइम, आप डू वॉच दीज वीडियोज, दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू, और ये भूलोगे नहीं कभी, ठीक है, कभी नहीं भूलोगे। बुक से पढ़ के काफ़ी चीज़ें हम रिवाइज नहीं करते तो भूल जाते हैं, लेकिन जब वेन यू आर सीइंग वीडियो, जब आप ऑडियो सुन रहे हो, जब आपको मैं एग्जाम्पल्स पोर्ट्रे करती हूँ, तो इन दैट केस आप रिलेट करके इसको काफ़ी अच्छे से समझ सकते हो। आई होप गाइज ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, और अपने जानने में जो भी लॉ से रिलेटेड लोग हैं आपके, ठीक है, आपके फ्रेंड्स हों, आपके टीचर्स हों, आपके सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, आपके जानने में कोई एडवोकेट्स वगैरह हैं, आप उनके साथ भी ये शेयर कर सकते हो, क्योंकि दिस टॉपिक इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू एवरीवन। तो अगर पसंद आया होगा लाइक ज़रूर करना, शेयर करना मत भूलना, और सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं लिया है इस चैनल का, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से बिना झिझक के सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आगे आते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइज़।